हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी कच्चे केले की करी। जो कच्चे केले से इतनी बढ़िया सब्जी बनती है जो मछली भी उससे टक्कर मार जाए। वो कैसे बनाया हूँ आज मैं आपको बताऊँ। कच्चे केले को छोटे छोटे ऐसे पतले पतले पीस करके काट के धो के हल्दी पानी से धो के रखी हूँ। और इसमें मैंने आरारूट पाउडर या कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करके 2-4 चम्मच डाल दी हूँ। और इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी और उसको कोटिंग करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक पाउडर सब ऐड करके उसको अच्छी तरह घोल के रख देंगे मिक्स करके। अब उसको थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए ऑयल भी डाल दी हूँ जो अच्छी तरह उसमें मसाला बाइंडिंग हो जाए। और अभी उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट करा देंगे। चारों तरफ जैसे कोटिंग हो जाए इसी टाइप का मिक्स करके रखना है। अभी इसको रख देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस, एक मिक्सर में मैंने काजू 4-5 ले ली हूँ, प्याज 1 ले ली हूँ और लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी ले ली हूँ और अदरक 1 इंची का टुकड़ा टुकड़ा करके काट के वो भी ले ली हूँ और उस टमाटर 1 भी छोटे छोटे करके ले ली हूँ। उस सारे को प्योरेट बना दूँगी मिक्स में। अभी उसको प्योरेट बना दी हूँ, उसको साइड कर रख देते हैं। गैस में कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने केले को जो कोटिंग करके रखी थी उसको एक एक करके ऐड कर देंगे। जैसे ही तेल से नीचे की तरफ से 4 मिनट छोड़ देंगे गर्म हो जाए तब उसको पलटाना है। अभी उलट पुलट करके दोनों बाजू जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब उसको निकाल देंगे। वो भी अच्छी तरह थोड़े रोस्ट होने तक ही फ्राई करेंगे तो अच्छे लगेगा। अभी मस्त रोस्ट हो गया फ्राई, उसको अभी एक प्लेट में निकाल देते हैं और जो बाकी है उसको भी तेल में ऐड करके उसको भी फ्राई करके निकाल देंगे। अभी और बाकी थोड़ा था वो भी डाल देती हूँ वही तेल में, उसको भी फ्राई करके निकाल देंगे ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसको मसाले से बना के खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी, चावल के संग खाओ या रोटी के संग, जिसके संग भी खाओ बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सब खा लेते हैं और ऐसे तला हुआ भी खाली भी फ्राई करके खा सकते हैं। और वही तेल में मैंने थोड़े खड़े मसाले ले लिए, जीरा, दालचीनी, इलायची और 1-2 प्याज छोटे छोटे टुकड़े काट के रखी थी वो भी ऐड करके गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई कर दी हूँ। और इसके ऊपर अभी जो मसाला प्योरेट करके रखी थी वो भी इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी अच्छी खुशबू के लिए कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है। और मसाले प्योरेट को अभी ऐड करके मसाले भुनने तक, फ्राई होने तक भुनना है उसको, जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। अभी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, वो भी चिकन मसाला डाली हूँ और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके मसाले को फ्राई करते रहने का है जब तक मसाले तेल अलग ना हो जाए। अभी अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसमें जितना आपको जूस चाहिए उसके हिसाब से पानी ऐड करना है। अभी पानी ऐड करके मुझे ढक देना है जब उबाल आने तक। अभी जब 1-2 उबाल आ जाए उसको निकाल के अभी वो जो तले हुए फ्राई किए हुए केले को इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे। अभी ऐड कर दिए है और इसको और 5 मिनट तक उबाल आने देते हैं। और 5 मिनट के बाद ये बनके रेडी हो गया है, जूस भी थोड़े गाढ़ा हो गया है। और इसके अंदर अभी मैंने उसके ऊपर हरा धनिया काट के रखी थी वो भी ऐड कर दी है। अभी गैस बंद कर देते हैं थोड़ी सी ही 2 मिनट के बाद, चावल के संग उसको सब करेंगे। अभी ये हो गया है चावल, प्याज, हरी मिर्ची के संग और ये केले वाली कड़ी लेके गर्मा गर्म खाओ, मस्त टेस्ट है।
और एक बार ट्राई करके देखना मेरे रेसिपी कैसे लगी, कमेंट करके बताना। अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।